हेलो नमस्कार दोस्तों, 26 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन है वो मैं एक्चुअली वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। आज कुछ कारण था इमरजेंसी जिसकी वजह से काफ़ी डिले हो गई है हमारी, तो सॉरी फॉर दैट। चलते हैं डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आर्टिकल है वो आज मैंने लिया है इंडिया और कनाडा रिलेशन के बारे में। तो इस आर्टिकल में जो पॉइंट आए हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखो, इस आर्टिकल में बताया गया कि भी जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे वो हमारे इंडिया में मतलब 7 दिन की विजिट पर आए थे। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, और उनकी यात्रा कैसी रही वो पॉइंट्स भी हमारे लिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यह कि उनकी 7 दिवसीय यात्रा थी, और 7 दिवसीय यात्रा में काफ़ी मतलब विविधता भी रही है कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई और कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो, इंडिया और कनाडा के बीच में क्या है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, और कुछ इश्यूज तक लोगों के सामने आए नहीं थे अभी तक। बट अभी जो ये विजिट हुई थी कनाडा पीएम की इंडिया में, इस विजिट से जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे वो सारे लोगों के सामने आ गए, मतलब पब्लिक के सामने आ गए। एक सबसे बड़ा इशू तो आता है खालिस्तान की मांग। देखो, बात ऐसी है कि इंडिया के अंदर पंजाब में खालिस्तान की मांग उठ रही थी। खालिस्तान मतलब एक नए देश बनाने की मांग थी जिसका नाम था खालिस्तान। अब वो सिखों का काफ़ी कुछ विद्रोह चल रहा था इस बात को, और इंडिया में इसको लेकर काफ़ी पहले दंगे भी हुए थे, और इसके तहत इंडिया ने काफ़ी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह भी की थी। और उसी बात का समर्थन कुछ ऐसा है कि जो जो कनाडा में जो लोग सिख रहते थे वो भी एक्चुअली इस खालिस्तान की मांग को सपोर्ट करते थे, और इसी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशन है वो आपस में थोड़े मतलब इतने अच्छे नहीं चले थे जितने अच्छे चलने चाहिए थे। मतलब इंडिया और कनाडा के बीच में जो मेन इशू था वो था खालिस्तान की मांग वाला, कि वहाँ पर खालिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा था और इंडिया बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, तो ये बड़ा इशू था। एक बात आती है वहाँ पे ओंटारियो, वहाँ पर एक स्टेट है कनाडा में, एक स्टेट है जिसका नाम है ओंटारियो। उस स्टेट में सीन ऐसा है कि वहाँ पे जो इंडिया में दंगे हुए थे कनाडा मतलब खालिस्तान की मांग को लेके, उनको जिनोसाइड घोषित किया गया। मतलब इंडिया को काफ़ी बुरा बताया गया कि वहाँ पे नरसंहार वगैरह इस तरह के काम हुए, तो वो बात कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छी नहीं, मतलब इंडिया की छवि को वो नुकसान करती है, तो इसलिए इंडिया के डिफरेंसेज हैं। एक दो पॉइंट साथ ही बताया गया कि खालिस्तान की मांग को काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है, और खालिस्तान में मेनली है क्या, खालिस्तान की मांग में है कि मेनली जो सांप्रदायिक जो कम्युनलिज्म की बात है उसे बढ़ाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया की सोवरेनिटी और इंडिया की आइडेंटिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो एक नए देश की मांग की जाती है इंडिया के अंदर, वो इंडिया की सोवरेनिटी के खिलाफ है, ये इशू है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, वो आता है पंजाब के सीएम का। पंजाब के सीएम का इशू था ये था कि पंजाब के जो भी रिसेंटली सीएम है अरमिंदर सिंह, वो एक्चुअली कनाडा जान विजिट पे जाना चाहते थे, बट कनाडा ने उन्हें वीज़ा नहीं दिया था, तो इस बात की वजह से भी काफ़ी इश्यूज था, तो वो भी काफ़ी सारे डिफरेंसेज थे। तो अभी इंडिया की तरफ से जब बात रखी गई थी पहले विजिट से पहले कि भाई जब कनाडा के प्रधानमंत्री इंडिया आएंगे तो वो पंजाब के जो प्रधानमंत्री अमरिंदर सिंह उनसे मिलेंगे पर्सनली, ये सारी बात हुई थी, तो वो सारी उनके द्वारा बातें, कुछ बातें उनकी मानी गई, कुछ इंडिया की तरफ से भी पॉइंट्स वो रखे गए थे। अब देखो, बात ऐसी है कि खालिस्तान सपोर्टर है वो भी कुछ ग्रुप्स थे, वो एक्चुअली इंडिया है, तो वो बात इंडिया को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखो खालिस्तान सपोर्टर मतलब इंडिया की सोवरेनिटी आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो वो बातें इंडिया को अच्छी नहीं लगने वाली। इसी के साथ बात आती है कि 1986 का एक केस था, 1986 में सीन ऐसा हुआ था कि पंजाब के एक मंत्री थे उनके ऊपर जसपाल अकबर ने क्या किया था, अटैक कर दिया था, मतलब काफी बड़ा इशू रहा था वो। और जसपाल अकबाल जिन्होंने अटैक किया था उनको एक्चुअली अभी जो रिसेंटली पीएम प्रधानमंत्री साहब आए थे कनाडा, उनके साथ डिनर पे इनवाइट किया गया था, तो इस पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई, काफी सारा इश्यूज आया। बाद में सडनली एट ए टाइम जो जसपाल अकबाल के साथ जो डिनर इन्वाइट किया गया था उसको कैंसिल करना पड़ा था। इसके बाद में देखो, बात ऐसी आती है कि ऑल ओवर ये कहा गया कि भाई इंडिया और कनाडा की जो बीच की बात है, जो रिलेशन अभी हैं इनके लिए कहा गया कि अभी तक के सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक डिजास्टर साबित हुए हैं। मतलब डिप्लोमेटिक रूप से कुछ चीज़ें वो इंडिया को हासिल नहीं हुई, ना ही कनाडा को, इंडिया के लिए सारे काम जो विजिट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट भी, नेगेटिव तो हमने काफ़ी सारे देख लिए। नेगेटिव पॉइंट की बात ऐसी आती है देखो कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे वो इंडिया है, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर डिफरेंट डिफरेंट कपड़े वो पहने, ताकि उन्होंने क्या कहा कि हम इंडिया की आइडेंटिटी है मतलब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसका स्वागत करते हैं, ताकि सभी इंडिया के लोगों को उनको प्यार सने वो दें, वो सारे पॉइंट्स हैं। मतलब उन्होंने इंडिया की काफ़ी चीज़ों का रिस्पेक्ट किया। इसके बाद में बात आती है कि देखो, कनाडा के अंदर इंडिया की काफ़ी बड़ी सिख कम्युनिटी रहती है, अप्रोक्सीमेट 13 लाख के आसपास वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा वो वहाँ पर रहता, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और जो वहाँ पर पंजाबी है वहाँ की सेकेंड लैंग्वेज भी है कनाडा की, तो वो सारे पॉइंट्स आए। इसके बाद में बात ऐसी कि आतंकवाद के मुद्दे पे इंडिया और कनाडा कहीं ना कहीं दोनों साथ खड़े दिखे, जो कि बहुत अच्छी बात है, कि मतलब इंडिया है वो कनाडा के खिलाफ आतंकवाद अगर इंडिया की धरती पे पनप रहा है तो उसको नहीं पनपने देगा, और इसके साथ कनाडा है वो कनाडा की धरती पे इंडिया के खिलाफ कोई भी प्लान है कुछ भी नहीं होने देगा, तो वो काफी अच्छी बात है। इसके बाद में जो प्रधानमंत्री थे कनाडा के, उन्होंने एक्चुअली यूनाइटेड इंडिया के कॉन्सेप्ट को मतलब समर्थन दिया और इस बात का काफी सपोर्ट किया, तो वो अच्छी बात थी। इसके बाद में बात आती है कि कुछ ग्लोबल इश्यूज पर भी फोकस हुआ, जैसे कि म्यांमार के इश्यूज पर, कि भाई म्यांमार में जो भी इश्यूज हुआ रोहिंग्या के खिलाफ उसको जल्द से जल्द
उसका समाधान हो किया जाए, और जो भी रोहिंग्या आज बांग्लादेश से इंडिया है उनको वापस वहीं भेजा जाए, और मतलब बात ऐसी कि म्यांमार है उनको वापस वहाँ बुलाए, ताकि देखो एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन है वो ख़राब ना हो। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर भी दोनों कंट्रीज हैं वो साथ सामने दिखी हैं। इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट सेम है, इंडिया और कनाडा के, मतलब दोनों ही कंट्रीज ये चाहते हैं कि वहाँ पर शांति स्थापित रहे, और काडाम है इंटरनेशनल जो लॉ है यूएन से अलग, यूनाइटेड नेशन के जो लॉ ऑन सीज हैं उनके को ढंग से फॉलो किया जाए। और इसी के साथ बात यह है कि कहीं ना कहीं चाइना को भी उन्होंने एक तरीके से चाइना को भी उन्होंने मतलब क्रिटिसाइज़ किया कि भाई चाइना जो अपनी मनमर्जी चला रहा है साउथ एशिया साउथ चाइना सी में वो कहीं ना कहीं गलत है। इसके साथ ही बात आती है वन बेल्ट वन रोड की, कि वन बेल्ट वन रोड का जो कॉन्सेप्ट था इसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई इंडिया की सॉवरेंटी के खिलाफ जो भी काम हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। तो ये सारे पॉइंट है। इसके साथ ही हम एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा कि 5E वाला कॉन्सेप्ट, कि 5E वाला क्या, मतलब इंडिया और कनाडा के रिलेशन ऑफ 5E में कॉन्सेप्ट इस नजरिए में समा सकते हैं। जैसे इंडिया और कनाडा के बीच में इकोनॉमी की बात आती है, एनर्जी के मामले में काफ़ी दोनों कंट्री सपोर्ट कर सकते हैं, एजुकेशन, इसके साथ ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और इसी के साथ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं का एक तरीके से सपोर्ट है वो करना है। इन सारी 5E के मुद्दे पर सपोर्ट किया गया, तो ये वाला जैसे पॉइंट है ना 5E कॉन्सेप्ट वगैरह, ये हम एग्जाम में आंसर राइटिंग में यूज़ है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही बात है यूरेनियम की, कि यूरेनियम सपोर्ट पर भी काफ़ी फोकस किया गया, ये बात कहेगी कि भाई इंडिया वो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रखेगा, देखो इंडिया वो काफ़ी यूरेनियम इंपोर्ट करता है कनाडा से, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात आती है, दो तीन पॉइंट आते हैं ये हम समझ लेते हैं। पहला आता है कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, दूसरा आता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, और तीसरा आता है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। तो इस बार की यात्रा थी ना जो प्रधानमंत्री की, कनाडा प्रधानमंत्री की, उसमें ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी पे सपोर्ट किया गया था। इस पे इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि जो आपस में जो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स होते हैं ना वो आपस में आके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, वो काम होता है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के तहत। और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी वो होती है कि इसमें क्या होता है कि सिविल सोसाइटी होती है ना एक दूसरे कंट्रीज़ की, जैसे इंडिया की कुछ सिविल सोसाइटी है वो कनाडा की सिविल सोसाइटी से आपस में बातचीत करके मतलब समाधान है कोई भी इशूज़ है उन समाधान करेंगे, वो कहती है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। और ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी वो होती है मतलब दोनों के बीच का रास्ता, मतलब आपस के जो ऑफिशियल जो डिप्लोमेट है वो भी आपस में मिलेंगे और जो सिविल सोसाइटी है वो भी आपस में, मतलब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर दोनों आके आपस में मिलेंगे और बातचीत के द्वारा समाधान है वो करेंगे। अब चलते हैं हम आगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो बैंकिंग रिफॉर्म के बारे में है, आर्टिकल GS2 और GS3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात ऐसी है, देखो बैंकिंग रिफॉर्म का आर्टिकल ये है कि भाई इस बार देखा जाए तो रिसेंटली इंडिया के अंदर काफ़ी सारे कुछ ऐसे केसेस सामने हैं, रिसेंटली बड़े बड़े फ्रॉड वो सामने हैं। दो बड़े घोटाले की बात करें, सबसे पहले तो नीरव मोदी का केस, कि नीरव मोदी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बना मतलब क्रिएट किया, और उसके बाद उन्होंने फर्जी तरीके से जो लोन है वो एक्वायर किया था, अप्रोक्सीमेट 11,400 करोड़ का घोटाला था वो। इसके बाद दूसरा घोटाला था वो था रोटोमेक कंपनी का, कि भाई रोटोमेक कंपनी ने क्या किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले लिया था और वो लोन को क्या किया, सही ढंग यूज़ नहीं किया, मतलब जहाँ यूज़ करना था वहाँ उस मौतों के लिए तो यूज़ किया नहीं, दूसरे कामों के लिए यूज़ किया। जैसे कि उन्होंने लोन तो लिया कि भाई वो अपनी कंपनी को आगे वो ज़्यादा यूनिट्स वगैरह वो बना रही है, बट उन्होंने यूज़ क्या किया, उन्होंने यूज़ किया कि फर्जी तरीके से जैसे ज्वेलरी इंपोर्ट कर ली, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, बाद में क्या दिखा दिया कि देखो भाई हमारे पास तो पैसा बचा ही नहीं है, पैसा ही जो इन्वेस्ट किया हमने तो हमारी कंपनी डूब गई है और जानबूझ के डिफॉल्टर बन गए, मतलब विलफुल डिफॉल्टर वाला सीन है वो क्रिएट किया गया यहाँ पे। इसी के साथ PNB वाला घोटाला कुछ आपको जैसे डिस्कस भी किया था हमने पहले, कि नीरव मोदी ने क्या कहा था कि बैंक के कुछ कर्मचारियों के साथ फर्जी तरीके से मिलके और लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन कर लिया था, मतलब वो है कि LOU है वो ले लिया था। अब LOU का मतलब ये होता है कि भाई PNB उसका गारंटर बन गया, PNB ने LOU साइन जारी किया, इसका मतलब ये है कि PNB नीरव मोदी का गारंटर बन गया कि हाँ भाई आप किसी को भी किसी बैंक से लोन ले लो, PNB उस पैसा चुका देगा, मतलब अगर नीरव मोदी पैसा नहीं चुका रहा है तो PNB उसका गारंटर हो, PNB उसके पैसे को चुकाएगा। और यहाँ पे यही हुआ था कि नीरव मोदी ने फॉरेन में जो दूसरे बैंक थे उनसे पैसा ले लिया और फिर PNB के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि PNB ने LOU दिया था उनको कि भाई आप लोन ले सकते हो, मैं गारंटर बन रहा हूँ। अब गारंटर वाला सीन था ये। अब देखो बात ऐसी है कि हमारे देश में देखा जाए ना तो NP की समस्या बहुत बड़ी हुई है। एक तो पहले से नमक जला हुआ, ऊपर से नमक ऊपर और ज़्यादा नमकीन डाली जा रही है, मतलब जले पे नमक छिड़कने वाला हाल है वो हो रखा है। NPA के समय में हमारे बैंक पहले ही कमर टूटी हुई है, और ऐसे माहौल में अगर इतने बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं तो साफ बात क्या है, लोगों का बैंकों पर बिलीव है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। अब देखो एक आंकड़ा देखते हैं, बात ऐसी है कि इस बार का जो मार्च 2018 तक देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट हमारे देश में 10 लाख करोड़ के आसपास जो प्रॉपर्टी एसेट्स है वो NPA है। इसके साथ देखा जाए वो कब है, वो सीन तब है जबकि 6 लाख करोड़ रुपए की जो NPA है ना वो तो ऑलरेडी बैंकों की जो लिस्ट है
बैलेंस शीट उसे हटा दिया गया। मतलब कुल मिला के बात ऐसी कि हमारे देश में अभी तक 16 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए वो घोषित हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है और उसका हमें काफ़ी बड़ा खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। तो देखा जाए तो टिप इन द आइसबर्ग वाली सिचुएशन है कि अभी तो बहुत बड़ा सीन है वो है, बाकी तो अंदर देखा जाए तो और भी बड़े घोटाले सामने आने वाले हैं। अब आर्टिकल ये कह रहा है कि भाई साहब बैंक पहले सो कहाँ रहे थे, क्या बैंक नींद में थे कि उन्हें पता नहीं चला कि इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं एक के बाद एक? ऐसा तो है नहीं कि घोटाले अभी हुए हैं, ये घोटाले तो काफ़ी फैले गए हैं। इसका मतलब एक चीज़ सामने आ रही है कि बैंकों का सिस्टम वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, बैंकिंग स्ट्रक्चर में काफ़ी खामी है, बैंकों की पॉलिसियाँ सही नहीं है, और कहीं बैंक ही नहीं, बैंक के अलावा जो हमारा पूरा सिस्टम है, बैंक हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, फाइनेंस कंपनी है, आरबीआई, वो सब जिम्मेदार है। क्योंकि देखो बैंकों को भी तो रेगुलेट करती है ना आरबीआई वगैरह, तो वो सब कहाँ सो रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं चेक किया, और बैंकों के जो बड़े अधिकारी हैं वो कहाँ से लगे? अब देखो बात ऐसी है, फिर राइटर ये कह रहे हैं कि देख अगर ढंग से भी सारा डाटा सामने आएगा, अभी तो जांच चल रही है सभी बैंकों की, अगर सारी जांचें सामने आएंगी तो शायद देख के पता चलेगा कि भाई एनपीए तो बहुत बड़ी मात्रा में, अभी तो थोड़ा सा है। फिर राइटर वो कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम इसी के लिए जिम्मेदार है, सीनियर अधिकारी भी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है कि 5-6 लोगों ने जिन्होंने फर्जी एलओयू दे दिए वही जिम्मेदार है, बाकी सीनियर अधिकारी जिम्मेदार है कि भाई उन्होंने चेक क्यों नहीं किया, उनके सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं कमियाँ थी, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित क्यों नहीं की। इसके साथ आरबीआई की रेगुलेशन भी धरी की धरी रह गई, और फाइनेंशियल मिनिस्टर का रेगुलेशन था वो कहाँ था, वो सब भी धरा का धरा रह गया। मतलब बात यह है कि हमारा पूरा सिस्टम इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। कई बार क्या होता है विजय माल्या जैसे लोग विलफुल डिफॉल्टर बन जाते हैं कि पैसा ले लेते हैं फिर दूसरी जगह यूज़ करते हैं उस पैसे को, फिर बोलते हैं हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमारी तो कंपनी डूब गई, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसके बाद में राइटर देखो ये कह रहे हैं कि जो कॉरपोरेट ग्रुप होते हैं ना उनका एनपीए ज़्यादा है। देखा जाए तो कुछ डाटा दिया गया था आर्टिकल में कि भाई अप्रोक्सीमेट जो जितना लोन देते हैं ना बैंक, उनका मैक्सिमम 84% जो लोन है वो तो कॉरपोरेट ग्रुप्स को देते हैं, और जो कॉरपोरेट ग्रुप है वो मैक्सिमम अमीर लोगों के हैं और वही पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके साथ में बात आती है कि पब्लिक डोमेन की, कि देखो जो मुद्दा है वो पब्लिक डोमेन में आना आ ही नहीं रहा था, बट अगर अभी सारा मुद्दा पब्लिक डोमेन में आ गया है तो उसका काफी कुछ नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही है, पहले भी सारी काफ़ी सारे केसेस सामने आए हैं, बट क्या करती है गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है। गवर्नमेंट एक्शन इसलिए नहीं लेती है क्योंकि देखो जो मैक्सिमम लोन है अप्रोक्सीमेट 84% जो लोन्स हैं वो तो किसके द्वारा होते हैं, कॉरपोरेट ग्रुप्स के द्वारा। अभी आपको पता है कि कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं वो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट होती है, जो भी मतलब पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, इनको क्या करती है फंडिंग देती हैं, तो मतलब इनके कॉरपोरेट ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट है ना वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डायरेक्टली लिंक होते हैं। तो ऐसे माहौल में पॉलिटिकल पार्टियाँ इनको ज़्यादा छानबीन वगैरह करती नहीं कि हाँ भाई ठीक है चलने दो कि हमारा क्या बिगड़ रहा है, वो वाला सीन होता रहता है। इसकी वजह से अभी सारा मुद्दा पब्लिक डोमेन में आ गया, फिर भी क्या करती है गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है कड़ा। अब देखो कुछ लोग फिर ऐसा कहते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा, बट राइटर ये कह रहे हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन करने से कोई सोल्यूशन नहीं है, आप ही सोच रहे हो कि प्राइवेट कर देंगे तो समाधान हो जाएगा, बिल्कुल इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी एनपीए वो कम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी एनपीए काफ़ी ज़्यादा डूब रहा है। इसके साथ ही बात कीजिए 2008-09 के टाइम पे, 2008-09 के टाइम पे जो मंदी आई थी ऑल इकोनॉमी में, उसमें जो बैंक डूबे थे सबसे पहले वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक ही डूबे थे। यूएस के जो मेन दो बैंक थे ना, वो दो बैंक जो बैंक डूबे थे सबसे पहले वो बैंक के प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे। तो ऐसी बात नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, उनका अब डाटा अभी सामने और नहीं आ रहा, प्राइवेट सेक्टर बैंक के रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। देखो गवर्नमेंट बैंक का तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोगों का भरोसा बना रहता है, जिस प्रकार अभी पीएनबी बैंक का घोटाला सामने आया तो ऐसा नहीं है कि लोग अगले दिन ही सुबह पहुंच के बैंक कहते हैं हाँ भाई पैसा दे दो पैसा दे दो, अदरवाइज तो बैंक डूब जाते, क्योंकि लोगों को पता था कि भाई हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का बैंक है तो गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी, अगर गवर्नमेंट का बैंक डूब गया तो फिर लोगों का भरोसा ही नहीं रहेगा, इसलिए लोगों ने क्या ट्रस्ट मारा। अगर वहीं ये अगर एचडीएफसी के साथ होता ना इतना बड़ा तो लोग तुरंत पैसा लेने पहुंच जाते सुबह की सुबह ही। तो राइटर ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट बनाना रहना बहुत जरूरी है, और जो सबसे बड़ी कमी है ना वो है रेगुलेशन की, कि रेगुलेशन ना तो प्राइवेट सेक्टर का अच्छा है और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर का। इसके बाद में बात ऐसी आ रही कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि देखो 1969 में आपको पता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो राइटर ये कह रहे हैं कि भाई बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था ना 1969 में, उससे पहले सीन ये था कि हर साल हमारे देश में 35 प्राइवेट बैंक है ना वो एक तरीके से बंद हो रहे थे, मतलब बैंक है डूबते जा रहे थे, क्योंकि पहले सीन ये था कि बैंक आए किसी ने भी जिसकी मर्जी जिस इंसान ने अपने घर घर में बैंक है वो खोल लिया था। इसके बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ तब जाके बैंकों पर लगाम लगी थी। मतलब राइटर कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर की हालात वो अच्छी नहीं है, वो भी ज़्यादा डूब ही रहे हैं, बस आपको देख के लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ठीक ठाक है। इसके बाद में बात आती है कि भाई तो रेगुलेशन फेल क्यों हुआ, वही रेगुलेशन फेल, मतलब रेगुलेशन फेल्ड हुआ क्या, इसके रीजंस क्या क्या हैं? इसके रीजंस काफ़ी सारे हैं। जैसे रीजंस दिया गया राइटर के द्वारा कि सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे देश की बैंक जो रेगुलेशन है वो फेल नहीं हो रहा है, फेल हुआ है हमारे देश की इकोनॉमी पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई थी ना वो पॉलिसी फेल हुई है, उन पॉलिसीज में काफ़ी कुछ कमियाँ थी। इसके साथ ही हुआ है आरबीआई को देखा जाए तो आरबीआई आज भी नोटबंदी के नोटों में लगा पड़ा है। आरबीआई को ये नहीं पता कि भाई उसका दूसरा काम है उस पर फोकस कर जाए, वो आज भी नोटबंदी में नोटें गिन रहा है कि भाई कितने पैसे आए थे कितने क्या नोट है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो मैन उनके काम वो तो कर नहीं रहे, साइड के काम वो कर रहे हैं।
इसके साथ ही बात देखा जाए गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये पॉइंट सामने आता है। और इसी के साथ क्या होता है, देखो क्या कहते हैं, बैंकों के पास टारगेट होता है कि भैया आपको इतना लोन है वो तो देना ही है, तो इसलिए बैंक क्या कि अपने टारगेट को पूरा करने के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टियों की बातें मान लेते हैं, और वो क्या करते हैं देख सिक्योरिटी नहीं देखते हैं कि भाई हमारा पैसा रिटर्न होगा नहीं होगा, और ऐसे माहौल में हर किसी लोगों को लोन देते हैं ठटपुंजे को, तो सीन क्या होता है वो पैसा डूब जाता है, तो उसकी वजह से एनपीए बन जाता है। तो एक तो यह कि बिना सोचे समझे लोन दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके साथ ही बात है लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि भाई सभी बैंकों को रेगुलेट करना काफ़ी अहम हो जाता है, तो गवर्नमेंट को रेगुलेशन पे फोकस है वो करना चाहिए। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देखो जो क्वेश्चन है वो वेबसाइट में आज इवनिंग तक अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी मैं सडनली मैंने बड़ी मुश्किल से लेक्चर वो बनाया, और एक आर्टिकल और था उसके दो तीन पॉइंट थे, वो हम कल के लेक्चर में या परसों में डिस्कस है वो कर लेंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।